नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है और आज इस खबर ने पीओके में खलबली मचा दी है, क्योंकि दोस्तों भारत दागने जा रहा है अपनी सबसे खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल को। और यहां पर भारत की तरफ से बंगाल की खाड़ी में एक नोटम जारी किया गया है, जिसको 26 से 28 की डेट में जारी किया गया है। और नोटम का मतलब होता है कि यहां पर इस डेट के बीच में सब कुछ यहां पर ब्लॉक रहेगा और किसी को भी आने जाने की परमिशंस यहां पर नहीं होंगी। तो दोस्तों, आखिर भारत ब्रह्मोस के किस वर्जन को दागने जा रहा है और भारत ने किस तरह से अपने ब्रह्मोस मिसाइल को और भी ज्यादा उन्नत तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है, इस वीडियो में आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियोस मिल पाएं। चलिए सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, आपको पता है कि भारत के पास मौजूदा समय में ब्रह्मोस के रूप में एक बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र मौजूद है। और दोस्तों, आपको पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक क्रूज मिसाइल है, और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से इस मिसाइल को पकड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और दोस्तों, ये बात चीन भी मान चुका है कि ब्रह्मोस मिसाइल कितनी ज्यादा खतरनाक है। साथ ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी मान चुके हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल को किसी भी तरह से एयर डिफेंस के जरिए डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और उनका तो यहाँ तक मानना है कि अगर पाकिस्तान पर भारत ब्रह्मोस मिसाइल को दागता है, तो पाकिस्तान के पास आज कोई भी मौजूदा समय में डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट करके रोक पाए। तो दोस्तों, आपको पता है कि भारत लगातार ब्रह्मोस के नए नए वर्जन पर काम कर रहा है और लगातार ब्रह्मोस की जो मारक क्षमता है, साथ ही इसकी जो पावर है, उसको बढ़ाता रहता है। आपको पता है, मौजूदा समय में ब्रह्मोस की जो मारक क्षमता है वो करीब 300 किलोमीटर की है और भारत इसको 1000 किलोमीटर बनाने में लगातार काम कर रहा है। और दोस्तों, आपको पता है कि इसका एक परीक्षण फेल हो गया था, जिसकी वजह से कई सारे पाकिस्तानी ब्रह्मोस मिसाइल को बेकार बताने में लगे हुए थे। और भारत में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद भारत की प्रगति अच्छी नहीं लगती और अक्सर वो ब्रह्मोस मिसाइल का नकारात्मक रूप दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब भारत ने एक नोटम जारी किया है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, जहां पर भारत अपने ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट करने जा रहा है। और ये नोटम जारी किया गया है 26 से 28 तारीख के बीच में। और दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल का इस परीक्षण में टेस्ट किया जाना है। अब इसमें खास बात ये रहेगी कि ब्रह्मोस मिसाइल का एक नया उन्नत वेरियंट हमें मिलने जा रहा है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर से ज्यादा की होने वाली है। इसके अलावा 1000 किलोमीटर से ऊपर की रेंज के लिए भारत लगातार काम कर रहा है और बहुत ही जल्द भारत इसको बनाकर तैयार कर लेगा। और आने वाले 26 से 28 की डेट में ये चेतावनी जारी की गई है और इस दौरान इसका परीक्षण किया जाएगा। और इससे दोस्तों पाकिस्तान और चीन में बहुत ही बड़ी खलबली मचने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं कि पाकिस्तान और चीन के पास ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने के लिए मौजूदा समय में कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है और भारत पीओके को लेकर बड़े स्केल पर तैयारी कर रहा है। न सिर्फ मिलिट्री के रूप में बल्कि डिप्लोमेटिक रूप में भी भारत पूरी दुनिया में आज इस तरह का माहौल बना रहा है, जिससे पीएको को लेने में कोई भी रुकावट ना आए। और ब्रह्मोस को टेस्ट करने वाले वैज्ञानिकों को, पूरी टीम को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या मानना है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।